अरिजीत जी कहाँ गई थी आज? कब है? दोपहर गया मैं। अरे दोपहर गया मैं, चंदा नहीं है? आओ मैं तो आई थी सुतार दो। आओ कब हो तो के सवेरे पानी हो गए थे। आओ सो तई में मिल गई चंदा। हाँ सुबह जाओ दासी हती हो ऐसी लगे जैसे बीमार सी हो। कब पता मैंने कि कहा हुआ तो मैं ऐसी कहे बीमार सी लग गई रोन लगी। हाँ। क्या लगी जी जी मुझकी है लंबी कथा घरे आई क्यों हम सुने हैं आई क्यों जिस तुम जरूर आई जिस जी बाहर हमसे सोई काटती जिस जी पहुंचा जो तना था काम है। हाँ सो फिर हमने कही के चलो तो दोपहर की हम रोटी पानी बना के मैं चले गए तनक फुर्सत हो के। मैंने कि चलो जाए तू के घर गए तू घर वारो है तू भाई में सो कल लगो जिस जी की ऐसी हूँ बहुत दिनों में आई हूँ बड़े अच्छे से घरों सामान धरू तू खूब लिया हो अबे। हाँ। फिर जो कूलर अलमारी। हाँ। और कल लगो के भने जन को ब्याह है हाओ कल लगो भने जन को ब्याह है सुकन्यादान ले रहे सुकन लगो के जो सब ले आए जिची और कछु बोल लाऊ है अभी भी पीतर की बासन आसन पाँव बखार में हो सुकन लगो जाते हैं जिची सु ले आवे भैया ने मड़वा है सो आज रात के निकल जे रात की ट्रेन से। सो मैंने कही हाँ भाई क्या सो पेल तो वह कछु ने बोली जो लोग घर बार रहा हुआ शांत बैठी रही। फिर जब चलो गो सुबह तो भेजा रोई बिन्ना मुसले पड़ के। हाँ मोंगे ही ने मोंगे ही ने मैंने की बिन्ना का बीमार हो जाए रो रो के जी गर्मी के दिन पर खजाने बिन्ना भेजा रोई मोर कौन पेड़ पता तो काया होगा। फिर मैंने जैसे तैसे चुप कराओ मैंने की अब तो ब्याह में जाना तुम अभी बीमार हो जाए कैसे चलत बताओ भने जान को ब्याह होते तो मैं नंद के अरे चुप घर काम करने सो कन लगी। फिर जैसे तैसे मोंगी सुकन लगी अब जो ही नहीं देखती जी जी देखो तो सामान धरो है जोन और जो लाने दो दो लख छेनियाँ दे रहे। हाँ। आओ और दमान को भने दमान हो अंगूठी और अब फिर जी जी घर हो चीकट पूरे घर को कपड़ा उनके। हाँ। सुखे 3,000 रुपए के बर्बाद कर रहे हैं। हाँ। मानता ही नहीं है भने जन की सबके ब्याह होते हैं सुको नहीं देती है। हाँ। सुखे रो वे कह लगी के मैं तो मरे जा जी जी जो देख देख के मैं सुखो दी तो भने जन के ब्याह में। सो मैंने की बिना का करें अब उनके भाग्या तो मैं नंद की स्थिति सोई तनक नोनी नहीं है। मैंने कही सो सोचा तुझे भाग्या के सहायता कर दे वे सुकन लगी कहे सो तो मैं तेली के तेल सुखा पहाड़ है चुपरत है हमारे धन है सो हम सब खो दे अभी हम बाबा बाबा खूब हो मोरो धन है मरे जात कितनी कितनी मेहनत करा जब ये कमाऊ है। सो मैंने कि तुम्हें लगत के तुम तुम्हारे लाने कमाऊ है तो पेन तो सू गया उन्हें की अरे अब तनक भैया बंद कर दे तो मदद तो तुम्हें ऐसी नहीं घबरा जैसी तुम घबरा रहे भने जन तो आए कहे हमारों की तो हमारी तो 5 नंद है और 12 भने भने जन हते हर साल ब्याह होते सबकी चीखें करी जैसी गुंजास रही जैसो करो मन हमारे ऐसे नहीं घबराने कबो पुण्य मिला और फिर देखो एक दूसरे को सहयोग करने पर नाते रिश्ते में और हमने वो फिर समझाई मैंने कि कल के दिन तुम भैया तुम्हारी मदद कर तुम्हारी भौजाई ऐसी रूस के बैठे जैसी तुम रो रही हो तो तुम्हें कैसो लग है कैसो लग बताओ है। और हमने कि तुम्हें कछु कमी करें कछु कमी क्या लगी हाँ जी जी हमें तो अब चट है अच्छी धुतियाँ ले रही बनारसी एक तो मांगी मांगी पानी तिहार टूट गई तिहार की एक लड़ी टूट गई थी सो कहती भर के तूला भर और सोनो डरवा के नवहार करवा दो जी जी। तो मैंने कि जब तुम्हें कछु कमी नहीं करा तो तुम कहाँ रो फिरती है ऐसी अपना जी और तहस नहस करती सो कहती के मैं तो रिसाने बैठे थी दो दिन से रोटी नहीं खाई मैंने सो मैंने कि ये बिना कैसिया हो तुम कहे नहीं तुमने रोटी खाई क्या कहती उनसे कछु कहो सुबह सुनता ही नहीं है और डांट देते हैं कहते चुमानी बैठी रहो। सो कहती कि हम तो रिसाने हैं और हम तो सोच रहे थे ब्याह में हमें जाने नहीं है। सो मैंने किया हाँ बिना ऐसा नहीं करो जा देखो है भने जन के ब्याह को मड़वा तरे को हरीरे मड़वा तरे पाँव पूजे को बड़ा पुण्य है और पुण्य की बात हम तो पुण्य और पाप तो सब ठीक है देखो अपन नाते रिश्तेदार एक दूसरे की मदद कौन धनी रथ कौन तना कम कर रथ तो सब मिलके चार जने मिलके काम करा सुलह हो जा शादी ब्याह कन्या काजिया आदमी तो तीसरे की कन्या में मदद कर दी थी। सो मैंने जब वो समझाई मैंने कि चलो पर्स के ला रोटी सो कहने लगी हाँ हाँ जी हमने खे सो मैंने परसी मैंने कि खा चल बैठ के खा सो उन्हें अच्छी खाई रोटी फिर और कहने लगी कि हाँ जी जी तुमने अच्छी समझाई रहा मुँह बात समझ सी आ गई अब यह कर जो आ गई समझ में और
मुतके दे नासे फूली जो लो रोटी खाती जो लो घर बारो लौटी आओ। हाँ सो मुस्कुरान लगो देख के कह लगो जी तुम भली आई कि इन्हें रोटी खा ली जा तो चार दिन से फूली बैठी है। कह लगी बताओ जीजी अब बबेन हम इतना कम कमजोर परिस्थिति की है सो मिलजुल के हमारे भैया बंद मिलजुल के ब्याह करें दे भगवान की कृपा से खूब दे भगवान हमें और इसे पूछो यू को कोर का सर रखे सुमनो जा तो फूली थी कत्ती ब्याह में नहीं जाने हैं तुम भली आई कि यू रोटी खोआ दई है मुँह लगा तो जब ईमान नहीं हो जावे वो भने जन को ब्याह एक तरफ घर हो रही की मई को करेंगे उते करें उते को देखें अपने मन में बनाए थी कि मुरो तो सब धन बने बने जान के चलो जा रहो बने जान फिर समझ में आ गई सुकन लगी भाई हंसन लगी और भी खुश हो गए सो मैंने की चलो मुरे कैसे भला कोनों को अरे अच्छो भलो हो गो हम तो जाई सोचत के सबको भलो हो गए सब समझा इसकी बात करत रहा था हम तो और का जी जी बात हो यही से तो मैं सोचती कि नहीं जाने का हुआ जी तुम बुला रहे आओ सो फिर तो फट गया भरो तैयार है क्या इनमें अब भैया आई था ना वो समझे आई जी आओ सो अब कल लगी कि हाँ तो जी जी अच्छी तुमने कही अब हम लगा लाए अपनी अटैची मटैची सो रात आई की प्रेम से निकल गए हैं सो मैंने की अच्छी खुशी खुशी जाओ मिलना ब्याह करो जैसे उमंग से तुम घर बारो कर रहो सब कछू तुम संग दे हो तो वो और अच्छे से कर है और लग को लग रहा और तुम रिसानी बैठी हैं ऐसा सुबह ना देखो सब जनों रिश्ते नाते ने भाभी की अपन को संग दो चाहिए आदमी को है कैसे भी अपनों गलत थोड़ा ही ना कर रहे कमाऊ है आज जैसे अपने भाग्य बंद है जैसे उनके भाग्य बंद है जैसे ही बहन है भाग्य है आओ तो चलो आओ आओ राधे राधे राधे।